राजनीतिक गलियारों में भंसाली की फिल्म पद्मावती पर घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां कड़ी सेना फिल्म का कड़ा विरोध कर रही है, तो वहीं पूरा बॉलीवुड फिल्म पद्मावती के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। भले ही अभी तक सेंसर बोर्ड ने भंसाली की फिल्म को हरी झंडी नहीं दी हो, लेकिन पत्रकारिता जगत के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने फिल्म को क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, पद्मावती को क्लीन चिट कहीं और से मिले या नहीं, लेकिन वेद प्रताप वैदिक की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है। वैदिक ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। दरअसल भंसाली ने फिल्म की स्क्रीनिंग कुछ पत्रकारों को दिखाई थी, जिसमें वैदिक भी शामिल थे। फिल्म देखने के बाद वैदिक ने ये तक कह डाला कि इसे देखकर राजपूत समुदाय भी खुश हो जाएगा। वैदिक की माने तो फिल्म में हमारी संस्कृति का परिचय मिलता है। दूसरी सुंदर वेशभूषा, आभूषण, सजावट, युद्ध के प्रचंड दृश्य दिखाई देते हैं। ये ऐसी फिल्म है कि ढाई तीन घंटे तक ध्यान भटकता नहीं है, टिका रहता है। इतना ही नहीं, वैदिक ने साफ कर दिया कि पद्मावती और खिलजी को लेकर एक भी रोमांटिक सीन नहीं है, जो कि अफवाहें फैलाई जा रही थी। वैदिक ने इस बात का दावा किया कि जो राजपूत संगठन और कर्णी सेना फिल्म पद्मावती का विरोध कर रहे हैं, वो इसे देखकर फिल्म के निर्माता, निर्देशकों और किरदार निभा रहे अभिनेता अभिनेत्री को बधाई देंगे।